और ये है मेरे पास $10 सिंगापुर के ही। $5 में कुछ भी खाओ, मैं वो दिखा रहा हूँ तो सस्ता है। प्रेस कर दिया। बड़ा प्राउड फील होता है जब किसी देश की मेट्रो के अंदर अपने देश के नाम से मेट्रो स्टेशन है। ये देखो लिटिल इंडिया। इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया $10 में मैंने क्या हासिल किया। आज सिंगापुर में पहला दिन है भाई। जैसा कि हर कंट्री में मैं एक वीडियो बनाता हूँ कि स्पेंडिंग $5, स्पेंडिंग $10। मैंने श्रीलंका में बनाई थी $5, वो आप जाके देख सकते हो। $5 में वहाँ मुझे क्या क्या मिला था। मोस्टली मैं खाने पे और ट्रांसपोर्ट पे स्पेंड करता हूँ। अगर कोई भी टूरिस्ट यहाँ आएगा तो उसके लिए दो चीज़ मेन, खाना और ट्रांसपोर्ट ही होगा। क्योंकि होटल तो बंदा अपने हिसाब से सस्ता महंगा कैसा भी बुक कर सकता है भाई। खाना पीना मैं कोशिश करता हूँ यहाँ आने वालों को सस्ता मिले और ट्रांसपोर्ट सस्ता मिले। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा सिंगापुर में स्पेंडिंग $10, क्योंकि $5 तो बहुत थोड़े हो जाएंगे भाई। सिंगापुर काफ़ी महंगा है, तो स्पेंडिंग $10 इन सिंगापुर। और ये है मेरे पास $10 सिंगापुर के ही। $US यूज़ नहीं करूँगा मैं, क्योंकि सिंगापुर में भी डॉलर है। तो आप देखना आज $10 में यहाँ क्या मिलेगा क्या नहीं। सबसे पहले मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता हूँ, एक बस पकड़ता हूँ। उस बस से 5-6 किलोमीटर के करीब मैं दूर जाऊँगा और आपको बताता हूँ कितना चार्ज करती है मुझे बस। अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं सिंगापुर में $10 में आप क्या ले सकते हो भाई। चलो बस आ गई वही 851। $23.09 है भाई। अपना देसी मास्क लगा लिया क्योंकि इंग्लिश मास्क कान में दर्द करता है भाई। तो मेरे कार्ड में $23.09 है। आपको बताऊंगा कितने यूज होते हैं भाई। अगले स्टॉप पे उतरूंगा भाई, आपको एक बात बता दूं, एंट्री आगे से करना और एग्जिट यहाँ मेरे पीछे है स्टॉप, इससे होगा ठीक है, ध्यान में रखना। तकरीबन 5 स्टॉप क्लियर करके मैं उतर रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ कितना कटता है, कितने डॉलर मेरे कार्ड से कटते हैं। तो चलो अभी चलते हैं। $0.95 तकरीबन $1 के करीब कट गया। और ये आपको बताऊँ कितने किलोमीटर था, गूगल मैप लगा के चला था मैं, $2.8 $1 $2.8 के लिए। सिंगापुर के हिसाब से मैं इसको सही बोलूँगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। एक बात और ध्यान रखना, बस में चढ़ते हुए और उतरते हुए दोनों टाइम आपको कार्ड टच करना है। सेम मेट्रो में है, मेट्रो में चढ़ते हुए भी और उतरते हुए भी आपको मेट्रो कार्ड टच करना है। रसिया वाला सीन नहीं है, रसिया में आप मेट्रो में बैठते हो तो एक टाइम कार्ड टच करना पड़ता है, पर यहाँ डिफरेंट है। चलो मैं रोड क्रॉसिंग करता हूँ। यहाँ ये बटन है, ये देखो इस बटन को दबाओ आप। प्रेस कर दिया, वो सामने दिख रहा है आपको लाल निशान, अब ये थोड़ी देर में हरा जाएगा। ये देखो ये हो गया ग्रीन और मैं रोड क्रॉस करके इधर आ गया भाई। बहुत सी मशक्कत के बाद, मेहनत के बाद मैं लिटिल इंडिया में एक रेस्टोरेंट में पूछा, क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ $10 में हम क्या क्या ले सकते हैं। मैं 7-Eleven में गया था, 7-Eleven में खाली एक $5 की बोतल मिल रही थी दूध की, 1 लीटर की। तो मैंने सोचा ये तो सस्ता ऑप्शन नहीं है आपके लिए और काफ़ी लोग दूध पीने वाले भी नहीं होंगे। तो बहुत ज़्यादा मशक्कत के बाद मैं रेस्टोरेंट में पूछा क्योंकि खाने का टाइम हो गया है। और यहाँ पे एक गांधी रेस्टोरेंट मेरे पीछे, $5 में वेजिटेरियन मिल है, आप कितना भी खाओ। हाँ रोटी 5 बजे के बाद मिलेगी, चावल वगैरह सब्जियाँ वगैरह और आपको लस्सी देंगे, जी भर के खाओ। $5 में कुछ भी खाओ, ये देखो मेरे पीछे। चलो चलते हैं अंदर। अब ये चावल दिए भाई, ऊपर ये सांभर डाल दी, दाल है भाई, दाल कह सकते हो। ये पिट्ठी की सब्जी है और ये पालक वगैरह मिक्स वेजिटेबल है, अड़की अड़की सरसों भी दिख रही है भाई इसमें। ये अचार है और ये पापड़ है, कितना भी खाओ। लस्सी नहीं डाल के गया, लस्सी और मंगाता हूँ। ये लस्सी भी आ गई भाई, कितनी भी पियो, ये अनलिमिटेड है। $32 $5 थैंक यू। ये देखो भाई $5 वापस दे दिए। $5 में आप कितना भी खाओ पियो, और मेरे व्यूअर मुझे अच्छी तरह जानते हैं मेरे से इन्होंने कुछ नहीं कमाया होगा, क्योंकि 150 मुझे देखने वाले हैं पहले ही, तो उनको पता है भाई $5 यानी तकरीबन 290-95 रुपये इंडिया के हिसाब से। और ये एक अच्छी डील थी, मैंने इसको ढूंढा मेहनत करके। आई होप आप मेरे थ्रू यहाँ आओगे और इन्जॉय लोगे। वैसे कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा मैं इनकी, मैं वो दिखा रहा हूँ जो सस्ता है, जो आप सस्ते में कर सकते हो। $5 का जम के आनंद लिया, जी भर के राशन लिया और अब चलते हैं आगे। मैं फिलहाल लिटिल इंडिया में हूँ, जो ये रेस्टोरेंट है गांधी रेस्टोरेंट, ये लिटिल इंडिया में है और लिटिल इंडिया मेट्रो स्टेशन पर मैं जा रहा हूँ।
आपको फिर दिखाता हूँ मैं, क्योंकि आज मुझे $10 स्पेंड करने हैं। इस हिसाब से देखो, जैसा कि मैं अभी खा पी के आया हूँ, तो सिंगापुर को मैं महंगा नहीं बोल सकता। और अगर होटल के हिसाब से देखो, सिंगापुर में सबसे महंगी चीज़ है होटल। लास्ट नाइट के लिए मैंने $75 पे किए और आज मैंने चेंज कर लिया है, आज मैं 78 पे करूँगा। और आप इसको होटल नहीं कह सकते, इसको बोलेंगे हॉस्टल। मेरे केस में मैं इमीडिएटली आया जहाँ पे मुझे हॉस्टल बुकिंग फुल मिली, तो महंगा पे करना पड़ा। अगर आप 5-7-10 दिन पहले बुक करते हो तो शायद आपको 45-40 तक मिलने के चांस हैं। गारंटी मैं नहीं लेता हूँ इसकी। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप अपना स्टे अगर इंडियन हो तो, सीधी सी बात है, इंडियन नहीं हो आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो इस लिटिल इंडिया में ही बुक करना, क्योंकि यहाँ पे आपको सस्ते रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएंगे रहने के लिए भी और खाने के लिए भी। लिटिल इंडिया बेस्ट है, रहना खाना पीना यहाँ करो, बाकी ट्रैवलिंग आप MRT और बसेज के थ्रू, MRT मतलब मेट्रो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू कर सकते हो, बस ले सकते हो। अब लिटिल इंडिया MRT के अंदर एंट्री करूँगा भाई, जिस रेस्टोरेंट से मैं आया हूँ, गांधी रेस्टोरेंट से, वहाँ से तकरीबन 600-700 मीटर दूर होगा, ज़्यादा दूर नहीं है। लिटिल इंडिया को लिटिल इंडिया नहीं कह सकता, ये तो सारा ही इंडिया है, बड़ा इंडिया है, इतना तो सिंगापुर है। ज़्यादातर एरिया तो अपने वालों ने कैप्चर कर लिया, तो लिटिल इंडिया कहाँ रह गए। चलो MRT में चलते हैं और अब आपको दिखाता हूँ MRT का कितना खर्चा आता है। लिटिल इंडिया से ट्रैवल करूँगा मरीना बे, तो बताता हूँ आपको कितना खर्चा आता है, लाइव दिखाता हूँ, बताता नहीं हूँ आपको, लाइव दिखाता हूँ मैं। देसी मास्क इंस्टॉल कर दिया है और अब कार्ड टच करता हूँ भाई। 22.14 बड़ा प्राउड फील होता है जब किसी देश की मेट्रो के अंदर अपने देश के नाम से मेट्रो स्टेशन है। ये देखो लिटिल इंडिया, इस एरिया का नाम ही लिटिल इंडिया है। यहाँ से मैं जाऊँगा धोबी घाट, ये देखो ये भी इंडियन नेम है भाई, धोबी घाट, और धोबी घाट से जाऊँगा मरीना बे। मेट्रो आ गई भाई, चलो अंदर चलते हैं। अब भीड़ काफ़ी है, ये देखो भरी पड़ी है, पहले लोग उतरेंगे फिर लोग जाएंगे, अपनी तरह नहीं है, धक्का पेली करते हैं। ये देखो काफ़ी भीड़ भाड़ है, भरी खड़ी है भाई। मैं यहाँ से अब एग्जिट करूँगा, आप देखना कितने कटेंगे। $1 कटा भाई, $1.05 कटे हैं, तो टोटल $7 हो गए, $3 और रह गए। अभी बाहर निकलता हूँ मैं, मरीना बे सैंड्स पूछ चुका हूँ भाई। और ये देखो मेरे पीछे जो फेमस होटल है सिंगापुर का, ये है वो फेमस होटल जहाँ लोग आके फोटो शूट कराते हैं। हमें तो $10 स्पेंड करने हैं, $7 कर दिए, और अब मुझे प्यास लगी, पानी पियेंगे। आपको दिखाता हूँ पानी की बोतल कितने में देते हैं। मैं खड़ा हूँ फिलहाल 7-Eleven स्टोर के आगे, मेरे पीछे देखो, और 7-Eleven स्टोर के अंदर जाके पानी लेता हूँ, पानी या कोई भी ड्रिंक। चलो देखते हैं क्या रेट है, $10 वाला चैलेंज आज पूरा करके छोड़ेंगे। ये देखो भाई पानी $2.5 का है, $2.5, और है कितना, 600 ml है शायद, ये 600 ml भाई। देखो ये देखो, ये बियर है एल्कोहल फ्री $1 की, कमाल है, पानी महंगा और बियर सस्ती, सबसे सस्ती है बियर। ओ ये रहा, हर देश में कोका कोला ज़रूर पी के देखता हूँ मैं, क्योंकि टेस्ट बताती है दुनिया डिफरेंट डिफरेंट है। और ये पूरा $3 का है, $3 देंगे। और ये भी तकरीबन कितने ml की है भाई, 500 ml की है, 500-600 में कोई फर्क नहीं होता, लगभग सेम रेट है। ओके $3 कम्प्लीट, ओके गिव मी बिल, थैंक यू। $3 का बिल है, $10 में इतना किया मैंने, अब मैं वापस मेरे होटल में नहीं जा सकता, $10 मेरे पूरे हो चुके हैं आज के चैलेंज के हिसाब से। अब मुझे और पैसे स्पेंड करके होटल में जाना पड़ेगा। इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया $10 में मैंने क्या हासिल किया। रुको अभी कहाँ जा रहे हो, अभी तो आपको ये दिखाना है, ये बताना है कि यहाँ कोका कोला का टेस्ट कैसा है। वैसे मैं पीता नहीं था, ना मैं इसको प्रमोट करता हूँ, पर अलग अलग कंट्रीज में जा रहा हूँ तो टेस्ट का पता लगेगा कौन सी कंट्री में कैसा टेस्ट है। लेते हैं एक सिप, इंडिया में यार इसे स्ट्रॉन्ग लगती है, ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इंडिया वाली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है। ओके बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।